हेलो दोस्तों, आप देखिए ये मैं नई रेसिपी बना रही हूँ। ये गुलाब है, इसको मैंने धुल के सुखा दिया है। ये देखिए, आज मैं इसकी बनाऊँगी मीठी चटनी। एकदम नई रेसिपी है ये दोस्तों। ये देखिए, अब मैं इसको पीस लूँगी। ये देखिए, मैंने मिक्सी में डाल दिया है। आज ये फूल से, गुलाब के फूल से मैं दो चीज़ बनाऊंगी। ये देखिए, मिक्सी में डाल दिया है। अब ये मैंने काजू, बादाम, ये सब इसी में डाल के मैं इसको पीसने जा रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए, बादाम, काजू सब डाल के अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी, देसी घी। गुलाब की चटनी बहुत अच्छी लगती है, मीठी चटनी। अब मैं इसमें डालूंगी लौंग वो और इलायची। मैं इसको इसमें पलट दूंगी। देखिए, हो गया। मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है इसकी। ये देखिए, गुलाब की मीठी चटनी। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। अब ये खोल आ जाए। खूब स्वादिष्ट होती है गुलाब की चटनी। एक गुलाब से मैं आज दो चीज़ बताऊंगी। गुलाब की चटनी मैंने मीठी बताई है आपको, देखिए मेरी चटनी तैयार हो गई। इधर गरम गरम मैं पूरी बना रही हूँ और यही गुलाब के फूल की मैंने मीठी चटनी बनाई है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कलर कितना अच्छा आया है और खाने में भी बहुत स्वाद लगती है। अब मैं इसको निकालूंगी, मैं पूरी से खाऊंगी।
ये देखिए दोस्तों, मेरी गुलाब की चटनी तैयार हो गई है। ये देखिए मीठी बहुत स्वादिष्ट लगती है, मैं थोड़ा सा खा के देखूँगी। बहुत बढ़िया बनी है। और ये पूड़ी है, ये देखिए, ये मैं पूड़ी से खाऊंगी। गुलाब के फूल की मीठी चटनी, नई रेसिपी है मेरी। ये देखिए दोस्तों, आप भी बना के देखिए, ट्राई करिए। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।